रामबन पुलिस द्वारा सुंबर के पास भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया गया है। बीती देर रात रामबन जिले के सुंबर क्षेत्र में गोला बारूद के जखीरे और उससे संबंधित सामग्री बरामद की गई। इसकी जानकारी विश्वसनीय सूत्रों के माध्यम से प्राप्त हुई थी। इस पर तेजी से कार्रवाई करते हुए एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसका नेतृत्व सैंपॉल SHO धर्मकुंड ने SDPO निहार रंजन के नेतृत्व में किया। पूरी रात घने जंगलों में तलाशी अभियान चला और अंत में सफलता प्राप्त हुई। बरामद गोला बारूद में 132 AK-47 राउंड 7.65 mm के 21, 303 mm के 14, चाइनीज पिस्टल राउंड 12 नंबर, मैगजीन 2, एक वायरलेस सेट, एक बाइनोकुलर, 2 UBGL ग्रेनेड, साथ में एक UBGL रॉड ट्यूब बरामद किया गया। सारा ऑपरेशन SSP रामबन श्रीमती मोहिता शर्मा के देखरेख में किया गया। पुलिस द्वारा जांच शुरू कर दी गई है। रामबन से द स्ट्रीट टाइम्स के लिए मेहरान पानी की रिपोर्ट। इन्फॉर्मेशन मिली रिलायबल सोर्सेज से, जिसके बाद एक टीम कॉन्स्टिट्यूट की गई, जिसमें SHO धर्मकुंड टीम को लेकर स्पॉट पे पहुंचे। काफ़ी देर वहां पे सर्च करने के बाद, जैसा कि आपने देखा, एम्यूनिशन हमें वहां मिला। एम्यूनिशन के साथ काफ़ी चीज़ें और भी बरामद की गई, जिसमें 179 राउंड्स हैं, 2 मैगजीन्स हैं, एक वायरलेस हैंडसेट है, 2 UBGL ग्रेनेड्स हैं, साथ में उनकी रॉड है और एक बाइनोकुलर है। फर्दर इसमें ऑलरेडी रेलिवेंट सेक्शंस में FIR दिया जा चुका है, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी गई है। बाकी इसमें जैसे जैसे डेवलपमेंट होगी वो अपडेट कर दिया जाएगा। तो पब्लिक को क्या कुछ पैगाम संकेत देंगे आज? पब्लिक के लिए यही संकेत है कि कोई पैनिक की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी ऐसी चीज़ पता लगती है, आप हमें इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं PCR के थ्रू, या अदरवाइज भी आके थाने में रिपोर्ट कर सकते हैं। इस पर जो कार्रवाई बनेगी वो की जाएगी।